गुड आफ्टरनून बच्चों, क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, जिसका मेन मोटो है इरेशनल नंबर प्रूफ करना। किसी नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं, इस चैप्टर में यही काम करना है, इस एक्सरसाइज में यही काम करना है। तो पहले हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले उसके लिए जानना जरूरी है। जैसा कि अभी तक हम 9th तक पढ़ते आए हैं, रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं, where p and q are some integers and q is not equal to 0। ये तो होता ही है रेशनल नंबर का डेफिनेशन। लेकिन आफ्टर नाइन आपका ये होना चाहिए कि रेशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। मतलब रेशनल नंबर अगर है तो उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर कैन नॉट हैव एनी अदर फैक्टर मोर देन 1। क्लियर? जैसे 21 अपॉन 22 अपॉन 62 है, 22 अपॉन 62 को हम रेशनल नंबर अभी तक बोलते आए हैं, लेकिन इसको हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तब एप्रोप्रिएट रेशनल नंबर वो होगा। इसको इसका दोनों का एलसीएफ क्या होगा? 2 यानी कॉमन फैक्टर दोनों का हो गया। अब 2 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा? 11 अपॉन 31। क्लियर हो गया? एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। अब इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ मिल रहा है क्या? 11 अपॉन 31 है। 11 और 31 का कॉमन फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अब इसको हम कंसीडर करेंगे ये रेशनल नंबर है। यानी अब 10th से अब रेशनल नंबर के अंदर चेंजिंग क्या हो जाएगी कि रेशनल नंबर अगर है तो उसके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं मिलने चाहिए। चाहे वो 2 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, कोई वेरिएबल भी नहीं हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी नहीं हो सकता है। मतलब 1 के अलावा कोई मोर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उसके नहीं हो सकते हैं। ये चीज समझ में आ जाएगी तो 1.3 का कोई भी क्वेश्चन गारंटीड, मैं कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर √3 इज अ इरेशनल नंबर। √3 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, तो एक हम मेथड बताते हैं, इसको सब में फॉलो करना है। लेट, इसमें हम प्रूफ जब करेंगे प्रूफ, तो लेट कर लेंगे अंडर √3 को रेशनल, कन्वर्सली लेट कर लेंगे। √3 को प्रूव करना था इरेशनल, तो हमने √3 को लेट कर लिया क्या? रेशनल नंबर। क्या लेट कर लिया? रेशनल नंबर। अब देखिएगा, जब हम इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना था तो हम उल्टा लेट करके चलेंगे, लेट कर लेंगे कि वो रेशनल नंबर था। अब हम √3 को, अगर ये रेशनल नंबर है बेटा तो हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही डेफिनेशन है। p by q के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ध्यान से सुनना, अगर नहीं दिखेगा तो सुन के ही मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करें तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये नीचे क्या हो जाएगा? q स्क्वायर होगा बेटा। यहां से p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3q स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3q स्क्वायर। अब देखिएगा, जब p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3q स्क्वायर, इसका मतलब p स्क्वायर यहां से डिविजिबल है 3 से कि नहीं? है ना? देखिए, p स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू q स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर p स्क्वायर डिविजिबल होगा तो p भी डिविजिबल होगा 3 से। जैसे 9 डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट अगर ले लें 3 आएगा, तो 3 भी डिविजिबल होगा 3 से। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 3 से तो p भी डिविजिबल होगा 3 से। ये चीज क्लियर हो रही होगी? जैसे 3 डिविजिबल है ना 3 से, तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 भी डिविजिबल होगा 3 से। तो 9 डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ठीक है? अब हम डिनोमिनेटर को प्रूफ कर दिए कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर 3 भी हो गया। इसी तरह हम डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर को हमने प्रूफ कर दिया कि 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर 3 मिलेगा। अब इसी तरह डिनोमिनेटर को भी प्रूफ करना है कि उसका भी मोर देन 1 कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो अब इसके लिए हम यहां क्या करेंगे, देखिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। पी को हम मल्टीपल में ले लेंगे 3 के। अगर √5 को प्रूफ करना होता
इरेशनल नंबर, तो हम पी को मल्टीपल में ले लेते हैं 5 के, यहाँ पे रूट 3 है इसलिए हम पी को मल्टीपल में लेंगे किसके, 3 के, तो पी इज इक्वल टू हम लेट कर ले रहे हैं 3n, 3 के मल्टीपल में ही लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट 3 को प्रूफ करना था, अगर रूट 5 को प्रूफ करना होता तो पी की वैल्यू 5m लेते, समझ में आ गए, रूट 6 को प्रूफ करना होता तो पी को 6m लेते, समझ में आ गए बात। अब पी के वैल्यू पी के प्लेस में फर्स्ट में पुट करो जरा 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा, यहां देखो सॉरी पी स्क्वायर के प्लेस पे हमने लिख दिया 3m स्क्वायर, यहां पे है हमारा 3q स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्लियर हो गई बात, 3 से ये कैंसिल हो गया 3m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा क्यू स्क्वायर, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 3, m की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर बाई 3, m की वैल्यू क्या आ गई क्यू स्क्वायर बाई 3 आ गई, m की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर बाई 3, इसका मतलब यहां क्यू स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 3 से, और जब क्यू स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 3 से तो हम क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अगर डिविजिबल हो रहा है 3 से तो q भी डिविजिबल होगा 3 से, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, किसी का स्क्वायर अगर डिविजिबल होता है किसी नंबर से तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होता है उसी नंबर से, जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, 9 डिविजिबल हो रहा है 3 से तो इसका स्क्वायर रूट ले लो 3, ये भी डिविजिबल होगा 3 से, समझ में आ गई बात, इसका मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा मिल गया, यानी 1 के अलावा क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है 3 मिल रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, और हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया दिस कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट, हमारा सपोजिशन जब रॉन्ग हो गया, हमने लेट किया था रूट 3 को रेशनल नंबर, तो ये अब कैसा नंबर हो जाएगा रूट 3 इज, सिंस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तो लिख लीजिए हेंस पी एंड क्यू है more than one common factor that is 3, since p and q have more than one common factor that is 3 also, then our supposition is wrong, this contradicts our fact, hence under root 3 is not a rational number, under root 3 is an irrational number, clear ho gaya, is pe based question solve kariye, ek question aur batana hai, उसको दो मेथड से बताएंगे और सारे क्वेश्चन उसके बाद होते जाएंगे, चलिए इसको सॉल्व करना आप लोग शुरू कर लीजिए, क्लियर हो गई बात, थैंक यू।